हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। मैं हूं शिवजी सर और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि रीजनिंग क्लास का है, ठीक है ना। तो आज हम आपको नंबर सीरीज के अगला पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले मैं दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, शूट कर चुका हूँ और उसे रिलीज़ भी किया हूँ। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उन दो पार्टों को देख लीजिए ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिल सके और शुरू से हर एक चीज़ की एक एक करके जानकारी मिल सके, ठीक है ना, विशेष तौर से, और उसका आप लाभ उठा सके, ठीक है। इस वीडियो में मैं कुछ नंबर सीरीज के कुछ अलग टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना, और आप लोग उसे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे तो नंबर सीरीज का बहुत वेरियस टाइप होता है, ठीक है ना। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नंबर सीरीज पर लिखे हैं। तो नंबर सीरीज के बहुत से टाइप होते हैं जिनमें से कुछ टाइप लगभग 11-12 टाइप मैं कल बता दिया था, ठीक है ना, पहले और दूसरे पार्ट में करके, ठीक है। और ये हमारा वीडियो का तीसरा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि बढ़ते क्रम में गुणा तथा घटते क्रम में जोड़ श्रृंखला देखना है, ठीक है ना। यानी कि बढ़ते क्रम में गुणा तथा घटते क्रम बढ़ते क्रम में गुणा और बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला कैसे बनता है, ठीक है, इसमें ध्यान देंगे। यानी कि एक ऐसी श्रृंखला दी गई रहेगी जिसमें बढ़ते क्रम में गुणा किया गया होगा, ठीक है ना, और बढ़ते क्रम में संख्याओं को जोड़ा गया होगा। नंबर सीरीज के पहले पद से लेकर के अंतिम पद के तरफ बढ़ते क्रम में संख्याओं से गुणा किया गया होगा और इसके अलावा उसके साथ कुछ बढ़ते क्रम में संख्याएं भी जुड़ी हुई। जैसे मान लिया कि पहले पद में 2 से गुणा कर दिया और एक संख्या जोड़ दिया, अगले पद में 3 से गुणा कर दिया, 2 संख्या जोड़ दिया, 2 अंक जोड़ दिए, ठीक है। उसके अगले पद में 3 से गुणा करके और 3 अंक जोड़ दिए। तो इस तरह के मतलब कुछ सीरीज बनेंगी, ठीक है ना। एक एग्जांपल के साथ देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा, ठीक है ना। देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। यहाँ पे है 2, 3, 8, 27, 112, 112, ठीक है ना। अब बताना है कि इसके बाद वाला ये वाला पद नहीं दिया है, सॉरी ये वाला पद नहीं दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए ये हमको बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिया है यहाँ पे एक, पहला ऑप्शन में 30 दिया है, दूसरा ऑप्शन में 40, 50, 60, इस तरह से ऑप्शन दिया है 40, तीसरे ऑप्शन में 50 और चौथे ऑप्शन में 60 दिया गया है, ठीक है। हमको क्या करना है कि सही नंबर बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा सही नंबर होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए इस पैटर्न को फॉलो करने पर, ठीक है ना। यानी कि देखेंगे इस पैटर्न को फॉलो करके, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक से गुणा किया गया है और एक इसमें जोड़ा गया है, ठीक है ना, 2 + 2 और 1 = 3, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से यहाँ इसको देखेंगे तो 3 × 2 = 6, 2 से गुणा किया गया है और 2 जोड़ा गया है, 6 × 2 = 8, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ इस पद में क्या होना चाहिए, अब 3 से गुणा करेंगे ना, क्योंकि पहले पद में 1 से गुणा किए थे, इसमें 2 से, अब इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा करके और 3 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। यानी कि 8 × 3 = 24 और 24 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों, 27 × 27। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 27 होना चाहिए ना, 27 ऑप्शन में नहीं दिया है क्या, मिस्टेक से यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है ना। हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन क्या है 27 है, तो हम क्या करेंगे 27 को
कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद तो ये आपको श्रृंखला समझ में आ रहा होगा। इसके आगे वाले पद को भी हम ऐसे ही देख सकते हैं, यहाँ पे कितने से गुणा किया गया होगा, तो इसमें चार से गुणा करके, चार से यहाँ पे गुणा करके और चार जोड़ा गया है, यानी कि 27 में चार से गुणा करके और चार जोड़ा गया है तो 112 आ गया है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका अगला सीरीज, देखेंगे अगले टाइप का सीरीज, नियत गुणा तथा नियत घटाओ श्रृंखला, नियत गुणा तथा नियत घटाओ श्रृंखला। नियत गुणा तथा नियत घटाओ श्रृंखला, नियत घटाओ श्रृंखला, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन एंड कॉन्स्टेंट सब्सट्रैक्शन सीरीज, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन एंड कॉन्स्टेंट सब्सट्रैक्शन सीरीज, इसमें ध्यान देंगे कि नियत संख्या से इसमें गुणा किया गया होगा जो भी सीरीज दिया है, और उसमें नियत संख्याएं माइनस की गई होंगी, ठीक है ना। यानी नियत संख्या से गुणा करके और नियत संख्याएं माइनस की गई होगी इस सीरीज के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इस तरह के भी सीरीज आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम लेते हैं एक ऐसा सीरीज का, एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे लिखा है 8, 14, उसके बाद 26, 26, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क है, और 98 लिखा गया है, और चार ऑप्शन भी यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन हैं, ठीक है ना। और बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन है यहाँ पे 30, दूसरा ऑप्शन है 40, और तीसरा ऑप्शन है 50, और इसी तरह से चौथा ऑप्शन है 60। तो ये आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि सही ऑप्शन इनमें से कौन है। सबसे पहले ये कैसे दिया है इसके पैटर्न को समझ लीजिए। 8 × 16 होता है, 16 में से 2 माइनस किया गया है, यानी 2 से गुणा करके और 2 माइनस किया गया है यहाँ पे। इस तरह इसको भी देखेंगे, 14 × 28, 28 में 2 माइनस किया गया है, यानी 2 से गुणा करके 2 माइनस किया गया है। तो अगले पद में क्या होना चाहिए, यानी 2 से गुणा और 2 माइनस, यानी कि 26 × 2 कितना होता है 52, और 52 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से गुणा और 2 माइनस, यही क्रम है ना हमारा, यही मेथड है, और इसी ऑर्डर में लिखा गया है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे 50 हो जाएगा, 52 में से 2 माइनस कर देंगे तो 50 हो जाएगा। 50 आंसर में है कि नहीं है, ऑप्शन में है ना, तो 50 तीसरा ऑप्शन है, तो ये हम तीसरे ऑप्शन पे टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के भी पद हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के भी सीरीज देखने को मिलती है। और हम लोग क्या करते हैं, उसे मेथड को समझते हैं, उसके बाद उसे आसानी से सॉल्व करते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला सीरीज, अगले टाइप का सीरीज क्या है, जैसे नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाओ, नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाओ, नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाओ, क्रम में घटाओ, नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाओ। देखेंगे कि नियत गुणा मतलब क्या, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन एंड इन सब्सट्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन एंड सब्सट्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में घटाओ और नियत तथा नियत गुणा, यानी कि नियत संख्या से किसी भी कॉन्स्टेंट निश्चित संख्या से गुणा करके, और जो संख्याएं माइनस की गई हो वो क्या हो, घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में, किसी क्रम में हो, तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में दिया है तो बढ़ते क्रम में माइनस करते चला जाना है, ठीक है ना। तो ऐसे पद को भी हम लेकर के इस सीरीज को लेकर देखेंगे। एग्जाम्पल के साथ एक सीरीज लेते हैं ऐसा, 4, 7,
ठीक है, 4-7 क्वेश्चन मार्क लिखा है, 21 और 21 के बाद 38, उसके बाद 71। अब यहाँ पे चार ऑप्शन भी दिया है, चार ऑप्शन भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। चार ऑप्शन पहले मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चौदह, तीसरा ऑप्शन में 14 दिया है और चौथा ऑप्शन में दिया है कितना, 18 दिया है। तो यहाँ को, यहाँ सबसे पहले पैटर्न को समझेंगे और उसके बाद हम ज्ञात करेंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है, तो 4 × 2 = 8 और में से एक माइनस, यानी कि 2 से गुणा करके एक माइनस किया गया है। तो इसी तरह से आगे भी देखेंगे कि फॉलो नियम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 7 × 2 = 14 और 14 में से बढ़ते क्रम में माइनस करना है ना, तो 14 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, 14 में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे कौन सी संख्या होना चाहिए, 7 × 2 = 14 और 14 में से 2 माइनस कर देंगे तो 12 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 12 ऑप्शन में है क्या, हाँ 12 ऑप्शन में है, यानी दूसरा ऑप्शन 12 ही है, तो यहाँ पे हम 12 पे टिक कर देंगे। ध्यान दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यदि समझ में आ रहा हो तो, या नहीं समझ में आए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। ऐसे मैं क्या समझ पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्या समस्या आपके सामने आ रही है, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका तीसरे टाइप का, यानी कि नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला, बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला, यहाँ श्रृंखला लिख लेते हैं, घटाव श्रृंखला, ठीक है। इसके बाद चौथे टाइप देखेंगे, इसका चौथे टाइप में क्या होता है, बढ़ते क्रम में गुणा और बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। चौथा टाइप है कि बढ़ते क्रम में गुणा, बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला, बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि ऐसा सीरीज जिसमें क्या हो, बढ़ते क्रम में गुणा किया गया हो, यानी एक किसी संख्या में 1 से गुणा, किसी में 2 से गुणा, किसी में 3 से गुणा, किसी में 4 से गुणा, और बढ़ते क्रम में घटाव भी किया गया, मैंने घटाने का क्रम भी किया गया हो, घटाने का भी संक्रिया किया गया हो, ठीक है ना। तो जैसे कि पहले में 1 घटा दिए, दूसरे में 2 घटा दिए, तीसरे में 3 घटा दिए, अगले में 4 घटा दिए, तो इस तरह की संख्याएं घटाई गई हो, माइनस की गई हो, ठीक है ना। तो ऐसे पदों को भी, ऐसे सीरीज भी हमको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, हमें समय बचाना होता है, ठीक है ना। तो हम जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत कराते हैं, और तो हमें क्या होता है, नंबर नहीं मिलता है, और इसके अलावा माइनस मार्किंग होता है, तो नंबर कुछ सही मार्क्स में से भी कुछ नंबर कट जाते हैं, तो दोनों तरह से घाटा जाता है, ठीक है, और समय भी लॉस होता है। देखेंगे सब बढ़ते क्रम में गुणा और बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला में एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। एग्जांपल ले रहे हैं हम, एग्जांपल है यहाँ पे एक नंबर सीरीज है 12 के बाद 23 लिखा है, ठीक है ना। मैं यहाँ एक बुक रखा हूँ, ठीक है ना, बुक से ही मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, और ऐसा नहीं है, मैं बुक से ये सीरीज के क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चार ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप भी गैस करके बताइए मुझे, गैस करके बताइए कौन सा यहाँ पे फिलअप होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। चार ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, चार ऑप्शन आपके सामने है, 137 के बाद तीसरा ऑप्शन दिया है 283, नहीं सॉरी 265 दिया है, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है मित्रों, चौथा ऑप्शन दिया है 625। आपको बताना क्या है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा संख्या होना चाहिए, कौन सा संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे होना चाहिए। ध्यान दें कि बढ़ते क्रम में गुणा है, और उसके बाद क्या किया गया, माइनस किया गया है बढ़ते क्रम में,
यानी कि ध्यान देंगे यहाँ पे कि 12 दूनी के 24 होता है ना, तो 2 से गुणा और 1 माइनस किया गया है, यानी कि 24 में से 1 माइनस करना 23 आ जाएगा। उसके बाद आगे भी इसे ही देखते हैं कि ये फॉलो नियम कर रहा है कि नहीं। अब देखो 23 दूनी कितना होता है, 69। 23 दूनी कितना होता है, 23 दूनी 69, ठीक है ना। 23 दूनी के 69 होता है तो कितना माइनस किया गया है, 2 माइनस किया गया है, ठीक तो है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस किया गया था, यहाँ पे 3 से गुणा करके और 2 माइनस किया गया है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे 3 से गुणा करके 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67 आएगा ना, 67 आ जाएगा। इसी तरह से अगले टर्म में हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके और 3 माइनस कर लेंगे। तो 4 से पहले तो गुणा करो, 67 में 4 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 67 में 4 से गुणा करने कितना आ जाएगा, 7 चौके 28 और 7 और 6 चौके 24 और 2 24 2 26, ठीक है ना। उसमें से कितना माइनस करना है, 3 माइनस कर लो, 3 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, 265। 265 ऑप्शन में है क्या, हाँ है, बिल्कुल है। तो 200 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो चलिए अगला, इसी तरह से अगला कोई टाइप लेते हैं, ठीक है ना, और उसको भी सॉल्व करते हैं अगले टाइप को लेकर के, ठीक है, अगले टाइप को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इसे इरेज कर दें, ठीक है, इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद अगला टाइप समझेंगे। पाँचवा टाइप है ये, ध्यान देंगे, पांचवा टाइप है, पांचवा टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। गुणा तथा भाग श्रृंखला, गुणा तथा भाग श्रृंखला, भाग श्रृंखला, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सीरीज, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सीरीज, इस तरह की भी सीरीज भी दिया रहता है एग्जाम में, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सीरीज। तो इसमें क्या होता है कि जो सीरीज दिया गया रहता है उसमें किसी निश्चित संख्या से गुणा और निश्चित संख्या से क्या किया गया हो, डिवीजन किया गया हो, ठीक है ना, भाग किया गया हो, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में नंबर सीरीज के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ऐसा टॉपिक हम देखते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये नियम फॉलो किया गया हो। एक सीरीज लेते हैं 36, 54 और 18 क्वेश्चन मार्क है और 9 है, ठीक है ना। यहाँ पे चार ऑप्शन भी देखेंगे, चार ऑप्शन कौन कौन सा है, चार ऑप्शन भी ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 24 और तीसरा ऑप्शन है 22 27, तीसरा ऑप्शन 22 है और चौथा ऑप्शन 27। बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे कितने से गुणा किया गया है, देखेंगे यहाँ पे कितने से गुणा किया गया है और कितने से भाग किया गया है, ये देखेंगे ना। तो 36 से यहाँ पे 54 लिखा है, इसका मतलब यह है कि 36 से 54 लिखा है, इसका मतलब 36 का मैं 36 और 36 दूनी तो 72 हो जाता है। इसका मतलब है कि ये इसमें कितने से गुणा किया जा रहा है, 1.5 से, क्योंकि 1.5 से करेंगे 36 का मैं 36 और 36 से ज़्यादा कितना होता है 18, तो 36 और 18 जोड़ देते हैं तो 54 आता है, ठीक है ना, 54 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 1.5 से गुणा किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये घट जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे माइनस किसी संख्या को नहीं किया जा रहा है बल्कि डिवीजन किया गया है, ठीक है ना। यानी 18 3 54 तो कितने से डिवाइड किया गया है, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया जा रहा है, 18 3 54। आगे हमको क्या करना है, आगे टर्म है मल्टीप्लाई करने का, तो कितने से मल्टीप्लाई हम करेंगे, 1.5 से, 1.5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया था ना, तो 1.5 से यहाँ भी करेंगे, तो 18 का मैं 18 और 1.5 से गुणा करना है, तो 18 का आधा कितना होता है, 18 का आधा 9,
नहीं 18 और 9 कितना हो जाएगा 27 ना, ये चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगला टाइप देख लेते हैं, टाइप नंबर 6 यहाँ देखेंगे, अगला टाइप क्वेश्चन अंतराल श्रृंखला, अंतराल श्रृंखला, अंतराल श्रृंखला, अंतराल श्रृंखला में ध्यान देंगे, अंतराल श्रृंखला में इंटरवल सीरीज, इंग्लिश में इसको इंटरवल सीरीज कहते हैं, इंटरवल सीरीज में ध्यान देंगे हम कि क्या होता है कि कुछ संख्याओं के बीच में क्या होता है, इंटरवल होता है, गैपिंग होता है, ठीक है ना, और उसी गैपिंग को हम समझते हैं कुछ संख्याओं के अंतराल पर, ठीक है ना, या दोनों के बीच जो हो, ठीक है ना, कुछ संख्याओं को माइनस किया गया हो, ठीक है ना, या तीन किसी संख्या में कोई अलग संख्या माइनस की गई हो और फिर अगले वाला जो संख्या है या अगले वाला जो टर्म है, जो पद है, उसमें कुछ और संख्या माइनस की गई हो, तो इस तरह के भी सीरीज बनते हैं, ठीक है ना, यानी कि सब में समान संख्याओं को जोड़ा या घटाया नहीं गया हो बल्कि अलग अलग संख्याओं को जोड़ा घटाया गया हो, तो उस कंडीशन में ऐसी भी सीरीज बनती है। तो एक ऐसी भी सीरीज हम ले लेते हैं, और एक ऐसी सीरीज हम लेते हैं ऐसी सीरीज देखेंगे 5, 8, 10, 13 क्वेश्चन मार्क 18, 20। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैंने एक सीरीज लिया है और चार ऑप्शन भी इसमें दिया है, तो हम चार ऑप्शन लिख देते हैं आपके सामने ताकि आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको समझ करके पैटर्न को, और आप भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, और यदि कुछ न समझ में तो उसको भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे 5 लिखा है, 5 के बाद 8 लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि इसका पैटर्न क्या है, इसके पैटर्न को समझ करके हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, 5, 3, 8 होता है ना, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, तो 8, 2, 10, उसके बाद फिर कितना जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, उसके बाद कितना जोड़ा जाएगा, तो 3 के बाद 2 जोड़ा जा रहा है ना, तो 3 में 2 जोड़ देंगे तो 13 में 2 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, ऑप्शन में 15 है क्या, है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन में 15 है, तो ऑप्शन में यही क्या होगा, करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा।